ये बीज बहुत अच्छे से खून की सफाई करते हैं। क्रॉनिक बीमारियां जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट की बीमारियां, इन चीजों को शरीर में सही संतुलन लाकर रोका जा सकता है। काली मिर्च यानी ब्लैक पेपर, यहां अमेरिका में आप चिली को भी पेपर कहते हैं, ग्रीन पेपर नहीं, ब्लैक पेपर जिसे पेपर कॉर्न कहते हैं, ये बहुत ही प्राणिक होती है और अगर आप इसका सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख लें तो ये आपकी धमनियों को साफ रखने में बहुत मदद कर सकती है। सभी मसाले बहुत ज्यादा प्राणिक होते हैं लेकिन इनका इस्तेमाल कम मात्रा में होना चाहिए। अगर आप मसालों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके खून में हीमोग्लोबिन कम कर देते हैं और आप में खून की कमी हो सकती है, लेकिन थोड़ी मात्रा में ये बहुत फायदेमंद होता है, ये बहुत प्राणिक होता है। ये बताने के लिए पर्याप्त रिसर्च मौजूद है कि अगर आप अपने भोजन में 30% फल शामिल करते हैं तो हार्ट या कार्डियक बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। यही चीज डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, लिवर और किडनी की बीमारियों के लिए भी कारगर है। ये सब बीमारियां काफी हद तक कम हो सकती हैं। इसके पर्याप्त प्रमाण हैं कि फल हमारे भोजन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होना चाहिए। उस समय जब हम बड़े हो रहे थे तो हम एक बच्चे के रूप में कहीं से भी फल तोड़कर खा सकते थे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आज के बच्चे भी ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि अब फल देखने को ही नहीं मिलते, अगर दिखते हैं तो सिर्फ बाजार में। तो इसे बदलना होगा, यानी हमें अपने भोजन में फल वापस लाने होंगे। अंकुरित मेथी जिसे हम सब जानते हैं, ये बीज बहुत ही अच्छे से खून की सफाई करता है, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स का अच्छा स्रोत होता है, स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए बहुत अच्छा होता है, बाल और नाखूनों की वृद्धि के लिए अच्छा होता है, ब्लड प्रेशर कम करता है और ब्लड शुगर लेवल नीचे लाता है। अंकुरित मेथी के साथ अंकुरित ग्रीन ग्राम या मूंग का सेवन समझ शक्ति के लिए बहुत ही अच्छा होता है। जो लोग 50 के ऊपर हैं उन्हें इसका सेवन हर दिन करना चाहिए वरना आपको पता भी नहीं चलेगा और धीरे धीरे आप इसे खो देंगे। ये करुप्पू काबुनी आरिसी या काला काबुनी चावल है। ये एक अनूठे किस्म का चावल है जो बहुत ही पौष्टिक है और पुराने समय में कहा जाता था कि सिर्फ राजा लोग ही इसे खा सकते थे। काले काबुनी चावल में कई पोषक तत्व पाए जाते हैं, खासकर प्रोटीन, फाइबर और आयरन। कुछ अध्ययन बताते हैं कि इसमें 23 प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं और चावल की सभी किस्मों में सबसे ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट गतिविधि इसी में होती है। ये हृदय रोग से बचाने में मददगार होता है और ये भी पाया गया है कि इसमें सूजन रोधी और कैंसर रोधी गुण काफी मात्रा में पाए जाते हैं। इसके साथ ही ये पाया गया कि अगर इस चावल का सेवन हर दिन किया जाए तो स्तन कैंसर के मामलों में ये कैंसर कोशिकाओं की संख्या कम कर देता है और उसके फैलने की गति को धीमा कर देता है। तो इसके बहुत सारे फायदे हैं।